Assalamualaikum khawateen hazrat, mera naam Tabish Hashmi, aap dekh rahe hain Hamna, presented by Coca-Cola, all parts powered by Faisal Bank Islami and Dolins. मेरे साथ मौजूद आज एक खूबसूरत तरीन पैनल. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, आज दो खूबसूरत खवातीन के बीच में खड़े हैं, मजीद पिंक हो रहे हैं हमारे एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने बड़े बड़े बैट्समैन कर दिए तबाह, है दिल से निकलती है वाह यासिर शाह. ये पहले से प्रेशर डाल दिया. क्या 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 कह रही है? मजीद पिंक हो रहे हैं. नहीं अब आ रहे, अब कर लो. आज मैं देख रहा हूँ उस जगह जो खड़ा होता है उसमें रजाक भाई जन्म ले लेते हैं. इनके साथ मौजूद हैं हमारे शो की एक पैनलिस्ट, प्यारी पैनलिस्ट, नाराज पैनलिस्ट, मेरे ख्याल से फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे इस शो का, दोस्त मेरी अजीज करती है मुझे टीज, मरियम नफीस. लोगों ने एक ऑडियंस ने एक पॉज लिया, फिर ताली हो जाएगी कि यार बजाएं ना बजाएं क्या करें. ये पहले से अजमल ने बोला था इनको. आज हमारी स्पेशल गेस्ट है, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, इस शो को लगाने आई हैं चार चांद, अमर खान. हाउ आर यू ताबिश? यासिर भाई खवातीन के बावजूद आज भी ज्यादा शोर आप पे मचा. बिल्कुल ऐसे ही है. क्यों हो रहा है? यासिर भाई का इंट्रोडक्शन दोबारा कराता हूँ. यासिर शाह. क्या बात, वाह, मैं क्या समझूं इस बात से, समझ में नहीं आ रहा मुझे. मर्दों की पसंद यासिर शाह, ये समझे कि आवाम में ज्यादा मर्द मौजूद है, मर्द की लड़कियां नहीं पसंद आ रही. तो आप लोगों ने भी की है वैसे. अच्छा बात सुने यासिर भाई, क्रिकेट का प्रोग्राम है तो रिवायती तौर पे क्रिकेट से थोड़ा सा आगाज करेंगे. आज का मैच पेशावर जलमी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स. पेशावर ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 242 का एक बड़ा स्कोर. बाबर ने बहुत अच्छा खेला, साइम अयूब ने अच्छा खेला, हारिस ने 300 के स्ट्राइक रेट से खेला, अब्बास आफरीदी ने 4 विकेट्स लिए, अनवर अली ने पीएसएल की हिस्ट्री का सेकंड सबसे एक्सपेंसिव स्पेल कराया. सब कुछ तो बता दिया मैंने, अगले आगे चलते. क्या कहना चाहेंगे आज के मैच में? पिच बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए या आज कुछ और? देखा जाए तो पिंडी के पिच हमेशा इस तरह ही होती है कि इस पर रन होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेरे लगे मुझे ऐसे लग रहा है कि बाउंड्रीज छोटी रखी हुई है. हाँ, जहाँ पे भी शॉट ऊपर लगते हैं तो शिखा ही होता है. मतलब बॉलर्स के लिए, बॉलर्स के साथ थोड़ी सी ज्यादती है क्योंकि हर बॉलर आता है, हर बॉलर 50-60 रन दे रहे हैं, 50-60 रन. सिर्फ अब्बास अफरीदी ऐसे थे जिसने 4 आउट किया, 39 रन दिए हैं. मतलब फिर भी वो 10 की एवरेज से ही रन दिए उसने. तो आपको लगता है कि ये नुकसानदेह है बॉलर्स के लिए? बॉलर्स के लिए क्योंकि यहाँ पे बॉलर जगह, हर जगह जो बॉल करते हैं वहाँ पे उनको रन हो रहे हैं. मतलब अगर आप ऑफ स्टंप पे भी बॉल करते हैं तो बाउंड्री इतनी छोटी, एज भी लगती है तो छक्का ही हो जाता है. आप नाराज लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपके साथ. मैं खुद बॉलर हूँ, अगर मैं खुद भी बॉलिंग करूंगा इस तरह होगा तो लाजमी बात. तो लगातार पेशावर जलमी ने 240 का स्कोर जो है वो डिफेंड नहीं कर पाए, इसमें किसकी गलती है बताइए. अगर आप देखें आज तो तकरीबन 40 ओवर में 480 रन हुए. जी जी जी, दो बार डिफेंड नहीं किया 240 का टोटल, ये किसकी गलती है? जज साहब बता क्यों नहीं रहे आप? मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉलर्स की भी गलती है, इनको अपने बॉलर्स के साथ बैठ के बताना चाहिए कि क्या गलती कर रहे हैं वो. ठीक है, क्या क्यों प्लान क्यों नहीं कर रहे बैट्समैन के? क्यों पिछले मैच में जिस तरह जैसन रॉय ने मारा है 160 किया, आज उसने रोसो ने भी किया है, पहले मतलब रिजवान और शान मसूद उस तरह रन नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए, उसके बावजूद भी अगर 240 चेज हो रहा है, 241 चेज हो रहा है, तो ये मतलब बॉलर्स के साथ भी जाती है और विकेट भी सपोर्टिंग नहीं है बॉलर्स के लिए और बाउंड्रीज भी छोटी रहेगी. बताइए जरा, बाउंड्री बड़ी होगी तो फिर छक्के नहीं लगेंगे, बाउंड्री नहीं लगेगी, तो वो बाउंड्री पे कैच आउट हो जाता है. 4-5 मीटर का फर्क होता है. खुद बॉलर अपना देख रहे हैं, अपने वालों के किसका देखें, किसका देखें, फील्डर का देखें, कलेक्टिवली इतना प्यारा हमारा ग्राउंड है, इतना अच्छा खूबसूरत. अच्छा मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, मैं बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ. बाउंड्री भी बहुत अच्छी है. अच्छा बाउंड्री में, मतलब मैच देख के आइए. मैं अमर से बात करूंगा. अमर आप तो ऐसा लग रहा है अभी बसंत खेल के आ रही है, 2-3 पतंगे. मैं 4-5 क्रिकेटरों की बारात से आ रही हूँ, ऐसा नहीं आपको फील हो रहा है? इतने फड़कीले कपड़े हैं, बैटिंग बहुत अच्छी लगी. अब आप क्रिकेट के शो में आई है तो पहले आपका क्रिकेटिंग नॉलेज टेस्ट होगा. ठीक अच्छा, है यू हैव माय सिंपैथी. अब आपको पता है कि इन पे क्या गुजरती होगी, लेकिन मरियम को बहुत पता है क्रिकेट के बारे में. मरियम बताओ, काओ कॉर्नर किसे कहते हैं? बताओ, सबको बताओ. वो वाला कॉर्नर जिस पे काओ जाती है, जहाँ पे काओ खड़ी होके जो है ना आराम चिल करती थी, जहाँ पे रन नहीं बनते, हिट नहीं. लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑन द ऑन साइड सिखाया था मैंने ये सब कुछ. कोई बात नहीं, तुम मैंने रिवाइज करो, कोर्स रिवाइज. एंड में मरियम ने कहा यार लॉन्गेस्ट बाउंड्री पता है, मुझे पता है. अच्छा अमर अपना बताओ आप, पहला सवाल और ये आसान सवाल है, पता होंगे आपको. हाईएस्ट विकेट टेकर अक्रॉस फॉर्मेट्स फॉर पाकिस्तान. हिंट देता हूँ, उल्टे हाथ के, आपकी लाइन के भी है.
मेरी लाइन के? अरे फिल्मों में काम करते हैं। मोइन खान? सॉरी मोइन भाई ने कौन अपनी शादी के अलावा किस फिल्म में काम किया? मोहसिन मोहसिन नहीं मोहसिन मोहसिन बॉलर नहीं वसीम अकरम भाई। बहुत मुश्किल है ये, हमारी लाइन के कहां से आ गए? अरे अभी फिल्म में आ रहे हैं वो, एक फिल्म आने वाली है उनकी, आ रही अभी तो डेब्यू उनका होने जा रहा है ना। फिल्म बन चुकी है अब, देखो बिल्कुल रिलीज पे, बिल्कुल नोक पे रखी है फिल्म। ठीक है ठीक है। इनमें से कौन सा शॉट रियल नहीं है? मैं ऑप्शंस दूंगा। ओके, हेलीकॉप्टर शॉट, दिल स्कूप, फ्रेंच कट या डाउन पिंच। तुक्का तुक्का यार, देखिए भी आप लोग मुझे हल्का सा कान में इशारा कर सकते हैं कि आप बुत बन के खड़े रहे? मुझे कौन सा बताओ ना भाई, आप बताओ ना यार, बताओ मुझे। डाउन पिंच, डाउन ब्रिज, डाउन ब्रिज नहीं था, पिंच था, सॉरी करेक्ट, आई थिंक डाउन पिंच। जो भी है आपकी नियत। अगला सवाल सही है कि नहीं है? सही है, सही है यार, बहुत अच्छा। तुम बहुत अच्छा, जब तुमसे ना पूछा जाए तो तुम बहुत अच्छा खेलती हो, इनसे खुद पूछूंगा ना नहीं जवाब दूंगा। अगला सवाल जी, करंट पाकिस्तानी विच कंट्री हैज वन द मोस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप्स एवर? ऑस्ट्रेलिया। बहुत सही जवाब दिया, तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता। अच्छा कितने वर्ल्ड कप, अगर अंदाजन पूछ लूं मैं? पाकिस्तान की ओडीआई टीम का कैप्टन कौन है? कौन सी टीम का? ओडीआई वनडे का। बाबर आजम सही सही सही। पाकिस्तान की T20 टीम का कैप्टन कौन है? फखर जमान। सेम गाय बाबर आजम करके जो लड़का है वो है। आखिरी सवाल जी, पाकिस्तानी लेजेंड लेग स्पिनर शाहिद आफरीदी कौन सी स्पिन बॉलिंग कराते थे? ऑप्शन दो। ऑप्शन तो दे क्या है? अरे बेटा मीम बनाना बेटा, ये क्या है, ये आप खेल रहे हैं हमारे साथ? ऑप्शन दे ऑप्शन। अच्छा वो भी ऑप्शन मांग रहे हैं, दोनों की मीम बनाना तैयार करो। मैंने कहा लेजेंडरी लेग स्पिनर, मैंने कहा लेजेंडरी लेग स्पिनर कौन सी स्पिन बॉलिंग कराते थे? आपने कहा ऑप्शन शाहिद आफरीदी। आज मेरा बहुत केक कट रहा है। जो कह रही है हमारा लाइफ जॉब को काट दो किसी तरह। कट रही है, आपकी नियत ठीक थी, नियत के नंबर है सब। क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा? चलो आपकी इनकी फील्ड के। अच्छा सबसे पहले ऑप्शन आपने मांगे, ठीक है, मैं तो कंफ्यूज हो गई, पर इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अपना आप फील हो रहा है। अभी पीछे कह रही थी 92 का वर्ल्ड कप कौन जीता था 2009 में। ये देखो किसी के लिए गड्ढा खोदोगे खुद गिरोगे। अल्लाह। अगला सवाल जी, अच्छा ये सवाल आपकी इंडस्ट्री Okay. सिर्फ यस और नो कहना है, इनकी एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाना। ओके okay. मैं एक्सप्लेन कर दूं पॉलिटिकली करेक्ट हो जाऊं, नहीं, यस और नो बोला आगे निकले। डन, ठीक है। एक एक्टर राइटर के बगैर कुछ भी नहीं। यस मैं क्या बोला? एक्टिंग में आने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, यस और नो? यस जरूरी नहीं। अपनी खुद की प्रोडक्शन में एक्टर उसको रखूंगी जो सबसे कम पैसों में राजी हो जाए, यस और नो? यस। अरे ऑप्शन आ रहे नहीं, ये क्या बात है? yes. वालदा अगर इंडस्ट्री में हो तो काम मिलना आसान होता है, यस और नो? नो, तब भी आसान नहीं होता। नहीं होता, वेरी गुड, सही बात। इंडस्ट्री में जो जितना बड़ा एक्टर है वो उतना ही इनसिक्योर होता है। मत बोली मीम बन जाएगा। हाँ सा लग रहा है। यस और नो के बीच की कोई कैफियत है? कह देता हूँ मुझको, ठीक है। इंडस्ट्री में जो जितना हो गया भाई, अगर दोबारा से जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो टीचर बन जाऊंगी, यस और नो? नो। नो, क्या बनेंगे? सिंगर बनूंगी, ट्राई करूंगी, ठीक। अगले 5 साल तक तो शादी का इरादा नहीं है, यस और नो? नहीं है, क्यों नहीं भाई? शादी का इरादा आपने अभी मेरे पे इंपोज कर दिया ये सवाल, बातों बातों कितने साल, कितने साल डाल दूं इसके अंदर? नहीं ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, इरादा है, इरादा, इरादे को क्लोज कर लो, एक क्लोज देगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में आई तो PMLN ही ज्वाइन करूंगी, यस और नो? क्या खामोशी में, खामोशी में इकरार, खामोशी में इकरार, सोचा कि तुमने खामोशी में इकरार, देखो नो नो, इतनी खामोशी के बाद नो? नहीं सोच रही थी ना यार, ठीक है कुछ भी हो सकता है, आपने चेक किया? एग्जैक्टली। क्या अदनान सिद्दीकी को पता है कि द मस्तम की स्क्रिप्ट आपने चुराई थी, यस और नो? किससे चुराई थी? आपसे चुराई थी, यस और नो कहना, यस और नो? क्या बकवास, ये क्या है भाई? आप नो कह दो, कहां से चुराई थी? नो कह दो ओरिजिनल, क्यों मैं? ऑफ कोर्स नो। तो इसका मतलब है उनको नहीं पता है,
सवाल ये जो बटरफ्लाई आपके पेट में अपने से गुच्छड़ मुच्छड़ करके सवाल मैं मना कर अरे ऐसी ओके इजाजत है आई अलाउ यू मैं मरियम से अच्छी एक्ट्रेस हूँ यार मरियम भी बहुत अच्छी yes. है भी का क्या मतलब है यानी आप तो है ही वुमेन कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर गुड एक्ट्रेस कैन कोएग्जिस्ट कोएग्जिस्ट की बात नहीं देखो मैं सब एक दूसरे को काटते हैं बात सुनिए मैं देखें आपने अच्छा जवाब दिया कवर भी अच्छा किया मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ये कहेंगी कि मैं अच्छी तो इनको मरना पड़ेगा ऐसा नहीं कोएग्जिस्ट तो आप तब भी करेंगे बिल्कुल नहीं नहीं वो भी थोड़ी अच्छी मरियम आई लव यू यू आर अ गुड एक्ट्रेस अब यस कर अब यस कर शी इज बेटर देन मी यस 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 यानी कि आप मरियम से अच्छी एक्टर हैं वेरी गुड क्या ये जवाब दिए ये मेरे जीत जवाबों को इतना तोड़ा मिलोर्ड छोड़ क्या हो रहा है मेरे साथ अब देख रहा हूँ तवज्जो चाहूंगा इस सवाल पे आपकी पठान बहुत प्यारे होते हैं यस और नो हाँ हाँ होते हैं यस मैं खुद भी खान मैं खुद भी साइड पठान मदर साइड पंजाबी बस पठान प्यारे तो प्यारे होते हैं प्यारे होते हैं प्यारे पठानों के लिए ताली यार आजकल पता नहीं कैमरामैन अजीब अजीब चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं मैच के दौरान आज देखो मैच के दौरान मैच चल रहा है इंपॉर्टेंट मैच दो वो क्या कर रहे हैं कैमरामैन दिखाओ क्या बात क्या कर रही थी तुम रूज से हम पिंक रिबन को डिस्कस कर रहे थे क्या कैसा बांधा हुआ है तुम्हारा ज्यादा पिंक है मेरा ज्यादा पिंक है क्या डिस्कस कर रहे थे नहीं कि कॉज पे बात कर रहे थे हाउ पीसीबी इज प्रमोटिंग द कॉज ये तो है अराउंड द ग्लोब काफी सारे वाह 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 इंग्लिश बोलती है बाजी हाँ इंग्लिश बोलती है बाजी मैच देखने गई थी टीवी तरफ तुमने भाई ये मतलब सब कुछ चल रहा था ना उधर क्या मैच बिल्कुल ध्यान नहीं था बिल्कुल ध्यान नहीं था साउंड बाइट जी नहीं मैंने बिस्मा की जो है वो इनिंग्स देखी थी क्या फिनोमिनल खेला उन्होंने क्या फिनोमिनल खेला आल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट अक्टूबर में हमारी इंशाल्लाह लीग शुरू होगी प्लीज अल्लाह का वास्ता है पैसे खर्च करना टिकट खरीदना मैच जाके देखना वुमेन्स लीग अच्छा मेरी रिक्वेस्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप एक क्योंकि सिर्फ एक्टिंग का करियर नहीं है प्रोडक्शन भी देखी आपने आप मार्केट को भी समझती है मार्केटिंग को भी समझती है मुझे एक बात बताएं अगर रिक्वेस्ट करनी पड़ रही हो किसी से कि आप टिकट लेके जाएं मैच देखने में तो जाहिर बात है आप ही अज्यूम कर रहे हैं कि शायद उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कुछ से तो सबसे प्रॉब्लम तो ये होगी कि इंटरेस्ट पैदा करना है इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए वो बताइए इंटरेस्ट पैदा करना सबसे पहले तो हमें विमेन्स टीम को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज देनी है उतनी ही इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है जैसे कि हम मेंस टीम को करते हैं सबसे बड़ा पॉइंट ये है दूसरी चीज ब्रॉडकास्टिंग व्यूज हम उतना उस तरीके से प्रमोट नहीं करते हैं स्पॉन्सर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें पैसे लगाएं हाँ स्पॉन्सर की भी बट आप ब्रॉडकास्ट उसको प्रमोट उतना ज्यादा करें ना आप उसकी हाइप उतनी ज्यादा बनाएं आज भी स्टेडियम वॉज लाइक ऑलमोस्ट एम्प्टी व्हिच इज नॉट फेयर आप उनके भी मैचेस देखें बहुत अच्छा खेल रही है लड़कियां 73 बना लिया अगली ने मतलब वाह वाह किसने बनाया अब ऐसा है कि स्पॉन्सर से याद आया स्पॉन्सर का टाइम है सोल सिटी बेस्ट बैट्समैन ऑफ द डे देखने का राइली रोस साबिश वैसे आप बॉलिंग अच्छी करते हैं या बैटिंग अच्छी करते हैं मैं ऑलराउंडर या फील्डिंग अच्छी करते हैं मैं ऑलराउंडर हूं फील्डिंग तो मुझसे होती है मैं झुक ही नहीं पाता उम्र का तकाजा और एक्टिंग भी ज्यादा अच्छी करता हूं इफ यू से अच्छा मेरी बात तो सुने ऑडियंस का वक्त आ चुका है अमर आप आई हैं तो ये ऑडियंस आई है वरना कहां पड़ा रहता यार मुझे इस बात का वैसे पता था पैसे लेकिन चलें ठीक है अच्छा पहला सवाल किसके पास आपके पास माइक थोड़ा करीब रखिएगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम दोबारा कहते हैं वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका उम्मीद रमला उम्मीद लैला क्या करती हैं उम्मीद रमला रमला क्या करती हैं मैं सोशियोलॉजी मास्टर सोशियोलॉजी में ना कर रही मास्टर सोशियोलॉजी कर रही वाह भाई वाह अच्छा इसे पढ़ाते क्या है सोशियोलॉजी में मैं सोचता था बोलने में मुश्किल है सोसाइटी के बारे में मतलब उनकी व्यूज और उनकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज आप जैसे हो कैसे इग्नोर किया जाए नहीं ये नहीं पढ़ाते अच्छी चीजें पढ़ाते अच्छा बताओ बेटा कोई सवाल है आपके पास जी पूछिए सोशियोलॉजी का मीडियम से पूछिए इनको बड़ा शौक है मेरा जो क्वेश्चन है आपसे और यासिर शाह से है कि अगर आप किसी मूवी में हीरो हैं दोनों तो आप इन दोनों एक्ट्रेसेस में से किन को चूज करेंगे एज अ हीरोइन देखो मैं पहले एक बात बता दूं ऑन एयर कि ये इनको मैं इनके साथ कुछ चल रहे थे ताल्लुकात एक्टिंग करने के लेकिन ये माशाल्लाह आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं एक्टिंग की तरफ इनका ध्यान कम हर कोई यही कहकर इग्नोर कर देता है यार तुम बिजी बहुत चल रहे हो नहीं ले रहे लेकिन एक थ्योरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर मैं मूवी में आया तो आया मैं मरियम के साथ जाऊंगा या मैं अमर के साथ देखो अमर आप अपना आप मूवी कर भी चुकी हो ठीक है और मरियम को मूवी मिलने का एक ही चांस है क्या
मैंने मसाइल लिख दूंगा, गुंजाइश निकाल दूंगा भाई आप मेरे मेरा करियर एलिवेट कर रहे अभी तक तो कोई प्लान नहीं है मूवी में जाने। अरे आप आ गए हो यार, आप आ गए आप आ गए हो, अज्यूम कर लो आ गए। मुझे मिल रही है जो मैं इतनी बड़ी चॉइसेस करूंगा, आप बताओ ना। इसने रोज रहना सुनो फिर भाई, इसने रोज रहना है, वो आज ही आई है, वो दुखी ना जाए। मुझे नहीं करूंगा, आप अमर के साथ जाएंगे, वो भी अमर पर अमर सेलेक्ट कर, समझ आप हम दोनों का समझ। अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम, कैसे भाई? शुक्र अल्लाह का, हैं? शुक्र अल्लाह का, वेरी गुड। अच्छा बात सुनो, तुम ये सवाल रोक के रखना बेटा, माइक भी रोक के रखना, क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का, मुझे लेनी ही होगी, तुमसे प्यारा है मुझे स्पॉन्सर, ठीक है? काफी रोजा ब्रेक, वापस आइए, हारने वाला है कहीं नहीं जाए। हम खेलने वाले हैं 500 की दौड़। अमर, दो सवालों के बाद आप अपनी उंगली बजर पे रख लेंगी और आप इस गेम में शामिल हो जाएंगी। दो सवाल जो है, दो सवालों के बाद शुरू के दो सवाल जो है 500 की दौड़ के बिटवीन मरियम नफीस और यासिर शाह, रेडी हो, ओपिनियन आप दे सकती हैं, ठीक है? कितने फीसद लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में एक्टर बनने के लिए गोरी रंगत जरूरी है? क्या समझती हो आप? क्या तुम्हें लगता है ऐसा होता होगा? हाँ, अमर आपको लगता है ऐसा है? मुझे लगता है। अनफॉर्चुनेट समझती हैं? बहुत फजूल बात है, लेकिन है। यासिर भाई, आप अपनी पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या पता कि ये जो एक्टर होगा, हाँ, ऐसे वैसे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लगता है आप एज अ ऑडियंस देखने वाला, आपको गोरी एक्ट्रेस में ज्यादा दिलचस्पी है या सांवली? मैं पूछ रहा हूँ, जो अच्छी एक्टिंग करे, जो अच्छी एक्टिंग करे। वेरी गुड क्वेश्चन आंसर, बहुत आला बेटा। तो परसेंटेज बताइए। परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और दाढ़ी जिस तरह आपने खुजाई उससे आपकी नियत का भी अंदाजा हो रहा है। और परसेंटेज आप बताओ ना, बड़े मीम बना लेना, मीम बना बताओ जल्दी, परसेंटेज बताइए आप, बताओ ना, क्या राजीव भाई के बन जाएंगे? बन गया आप 74% पे यासिर शाह को लॉक कीजिए। हाँ भाई, 85 पे लॉक कीजिए। अमर, अगर देना होती क्या परसेंटेज देती? जल्दी 80 देती। लॉक कीजिएगा 85 पे मरियम को और 75 पे यासिर शाह को। अवाम की राय देखेंगे, अवाम की राय है 77%। यासिर भाई, वेरी वेल डन, बहुत करीब। एक गोरा ही गोरा का दर्द जानता है, पीछे से कह रहे नहीं नहीं नहीं। अगला सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कि सफर पे निकलते वक्त पीछे मुड़कर देखना मनहूस होता है? अच्छा, काफी लोग वैसे ये समझते हैं, ये है एक सुपर। अगर आप घर में गाड़ी लेके निकल रहे हो, पीछे देखोगे थक जाओगे, मनहूस तो होता है बिल्कुल। ये तो टेक्निकल मसला है भाई, ये मीम बनाना जिसने भी किया है। हाँ, बोले बोले आप, सॉरी यासिर शाह आप बोले, पहले मैंने बोला ना, आप मुड़के देखते, मुड़के तो देखते। क्या आपको लगता है कितना परसेंट लोग इतना समझते होंगे? इनकी बारी है अब, कितने? 50% मरियम को लॉक कीजिए। यासिर भाई, 20% आपको लगता है कि मुड़के देखते हैं? आपको लगता है? मुझे लगता है कि ज्यादा होगी। मुझे भी लगता है, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता। जब उनको नहीं लगता, उनको फोर्स ना कीजिए, उनके दिल में वसवसे मत डालिए। दिखाइए बेटा परसेंटेज, आवाम क्या समझती है? 35%। यासिर भाई आप क्लोज है, क्लोज है, बल्कि आप दोनों बीच में बराबर में, बीच में वेरी बराबर। कैसे है भाई, वो 20 पे है, ये 35 है, मैं 50। 15-15 का डिफरेंस हो गया ना, मतलब 15-15 हो गया भाई। जितना देखो भाई, लोग बड़े लोग कहते हैं खामोशी में निजात है, बिल्कुल खामोशी में। लगा इसे 25। अच्छा ठीक है, ओके, अब बोलो, मुझ पर इल्जाम देना, बोला ही कसम, मेरे 25 है। नहीं नहीं, आपने 20 बोला। अच्छा भाई, अब बजर पे हाथ रखो, बजर पे सब। अमर आप भी आप दे रहे हैं। अच्छा अमर, आप देख लो, कैच कैच क्या इसमें, आप जो जिन सवालों के सही जवाब देंगे आपको 30 points मिलेंगे, एंड यू विल गेट टू डिसाइड कि आपको 30 number इनको देने हैं। वो मुझे देगी, ठीक है, वो पहले ही डिसाइड हो चुका है ब्रेक में। ये क्या बात है यासिर भाई, आप लेजेंड हो यार, फास्टेस्ट टू 200 विकेट्स, और ये सलूक आपके साथ, गर्ल पावर नहीं, कोई गर्ल पावर नहीं हुई, ये तो माफिया चल रहा है। नहीं, सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यासिर भाई उंगलियां रखिएगा। खुद बातें अहमदिया किसने लिखी? ऑप्शन है अब्दुल हलीम शरद, सर सैयद अमीर अली, सर डॉक्टर सफदर महमूद या सर सैयद अहमद खान। ये तो मुझे बताओ क्या? सफदर महमूद। गलत जवाब।
मरियम ने दबाया है। हाँ सर सैयद अहमद खान। सही जवाब सर सैयद अहमद खान। बहुत प्यारा तुक्का। एक ही नाम, एक ही नाम पता था मरियम ने। एक मिनट बोल दिया ना मैंने, मिल गया ना मुझे नंबर। चलो रो नहीं अब। चलो फिर आप इतना ही, आपको आप इतनी ठीक है। सर सैयद ने एक यूनिवर्सिटी बनाई दुनिया में बड़ी मशहूर, उसका नाम बता दो। सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी नहीं है उसका नाम। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसका नाम है। वेरी गुड शाबाश। ये तो वहाँ है। अगला मेरा नहीं, 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 ये सवाल नहीं है। सवाल नहीं, ऑफिशियल सवाल नहीं। अभी ऑफिशियल सवाल पूछ रहा हूँ। पंजाब असेंबली में टोटल सीट्स कितनी है? ए 297, 305, 301। यासिर शाह 371 इज द राइट आंसर। तुक्के मारो मैं कहता हूँ। अब अगला सवाल हमारा ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स ठीक है। अब एक किसी ने एक ने जवाब दे दिया फॉल्स या ट्रू, दूसरे से नहीं पूछा जाएगा। ओके। शाहजहां और मुमताज के 8 बच्चे थे। अमर फॉल्स। बजर उन्होंने बजाया। फॉल्स इज द राइट आंसर। अमर आपके पास पहुंच गए 30 मिनट। मैंने बजाया था। कितने बच्चे थे? मेरा नहीं ख्याल कोई बच्चे थे। 15 बच्चे थे। 14 बिजी लोग थे। यार यहाँ उसके बंदे के 14 बच्चे हुए पड़े और आपको बजर की फिक्र। मेरा बजर नहीं बजा। 14 बच्चे। 14 बच्चे। शाहजान भाई अपने काम से काम रखने वाले आदमी। काम से काम रखने वाले। बिजी। एक धुन जो चढ़ जाए बस। चढ़ जाए बिल्कुल। अच्छा अब खाका पहचान है। खाका आएगा बेटा। खाका दिखाओ। मरियम माइकल जैक्सन। मरियम कमाल हो गया। हिस्ट्री क्रिएट हो गई। पहला खाका आपने गैस किया बेटा। और ये इतना आसान था खुदा की कसम। ये ना बताती मेरे आंसू निकल आते। अगला फिर से खाका दिखाइए। खाका पहले बता देते अब। मरियम वो नहीं। अमर 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 शाहिद आफरीदी। बहुत गलत। रिजवान सही जवाब। पिछले 20-25 दिन से ये ऐसे खाके आ रहे हैं। मरियम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं। अमर ये सवाल तीनों को पता होने चाहिए। बजर पे डिपेंड करेगा पाकिस्तान का है। क्या कह रहे हो? तीसरा बड़ा शहर कौन सा? मैंने पढ़ लिया था। वेरी गुड। बहुत स्मार्ट। फैसलाबाद इज द राइट आंसर। एक्टर की आंख इसको ये तो डिजर्व करती है। इतनी तेज पढ़ भी लिया और पता भी था। वेरी वेल डन। कायदे आजम क्रिसमस के दिन पैदा हुए। बताइए साल क्या था? इनसे आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इनको पता है। हाँ बड़ा नहीं, अच्छा तुम मुझे एक सेंचुरी बता दो। सेंचुरी क्या थी? 18 सेंचुरी थी। और 18 समथिंग। नहीं देखो 47 में तो पार्टीशन हुई ना, बट वो 18 होगी। 18 बड़े होंगे तो पार्टीशन कराएंगे। हमारी मीम्स बनेगी इसमें। सीरियसली जवाब। नहीं मुश्किल सवाल। बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या सिर्फ भाई हमें और आप भी बात करते हैं? क्या होगा, कब पैदा हुए होंगे कायदे आजम? क्या लगता है आपको? 1876। सवाल कैंसिल। इस तरह की चीटिंग मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये असेंबली नहीं है। ये मेरा शो है। असेंबली नहीं है। असेंबली में तो किताबें उछलती हैं। उठो चलो यार। स्टूडेंट्स हो के आप लोगों को जवाब नहीं बताई। इंपॉर्टेंट सवाल। इतना टाइम नहीं है, खत्म हो जाएंगे फिर से। ओके सुनो। बिलाल के बहुत बिलाल के इकलौते चचा के भाई का बेटा बिलाल का कौन है? फिर से बिलाल के इकलौते चचा के भाई के मुझे नहीं पता। बेटा नहीं। अब्बू इज द राइट आंसर। बिलाल का बाप है। बाप है। तुक्का मारा है खुदा की। तुम कसम खा लो, मेरे सर की कसम खाओ। मारा है। जवाब तो ऐसे दिए जैसे बिलाल को जानती हूँ। अब आपने पहचानना है कि ये कौन है। दिखाइए यार। कायदे आजम इज द राइट आंसर। अरे भाई वाह मरियम, खेलती मैं सही थी। अली भाई ने गड़बड़ कर दिया आगे। बहुत आला। अमर बजरों पे हाथ बजरों पे ये कौन है?
माय मॉम आपके अभी बड़े आजा भी बहुत आना भाई ये तो मेरा बनता था घर जाना मुंह देने अब बताओ आज अब बताओ जीत रही है अमर आपके पास 90 स्कोर है ओके आपके पास तीन ऑप्शन ओके या तो ये 90 पॉइंट्स घर ले जाएं और इन दोनों की बदुआएं ले okay. या इनमें से किसी एक को 90 पॉइंट नहीं वो मुझे दे रही है डिसाइड okay. कर लिया है लंबी नहीं करो अब मैं यासिर शाह और मरियम नफीस को 20 सेकंड ईच दे रहा हूं अपनी पिच देने का कि उनको क्यों मिलने चाहिए यासिर भाई 20 सेकंड आपके अपना दर्द होते हैं अब मैं नहीं मांगना चाहता मुझे करने की जरूरत ही नहीं है क्या कह रहे हैं मांगने की जरूरत ही नहीं है आप इतने प्यारे हो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना प्यारा हूँ कि आपको मांगना ही नहीं पड़ेंगे आप बताएं हम दोनों लड़कियां हम दोनों सेम सेम बिरादरी सेम फ्रेटर्निटी के हैं हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं हमने बहुत काम कर लिया वो मेरी कोई नहीं है इसलिए वुमेन्स टीम को इसलिए वुमेन्स टीम को इसलिए वुमेन्स टीम को लड़के सपोर्ट नहीं करते आपस में इस तरह ये अच्छा बात सुनो यहां से भाई इधर 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 इसलिए हमारा मैच पता चल जाए ना ये पीछे क्या बातें कर रही थी झूठ बोल रहे क्या मैं अपने पैदा करने वाले पे वो सब बातें छोड़ती हूँ लेकिन फिर भी मैं मरियम नफीस को अपने पॉइंट्स देती हूँ मरियम नफीस के यासिर भाई बेटा यासिर भाई के मुंह पे एक कैमरा ले आओ और ब्लैक एंड व्हाइट एक्सक्यूज मी बेटा मीम बना देना वो वाली मीम सैड म्यूजिक लगता है बर्थडे टूटा हुआ सांस ये लगा अच्छा बर्थडे मेरी विनर दिखाओ फिर नहीं बर्थडे इनको ज्यादा पता है मरियम नफीस बहुत अरसे बाद 387 रन लेकर आज की पास की दौड़ की विनर करा बहुत दिनों बाद यार पर मेरी दुआएं आपके साथ हैं यासिर भाई थोड़े नहीं है मेरे पॉइंट्स भी दिखाएं आपके इनके पॉइंट्स हैं यासिर भाई के पॉइंट्स भी दिखाओ कितने ये बहुत थोड़े नहीं थे वैसे पॉइंट्स दिखा दो बेटा यासिर भाई के यासिर भाई आपके 242 पॉइंट्स 242 चलिए इतना पीछे नहीं है टोटल पॉइंट्स क्या है अब तक का टोटल दिखाइए यासिर भाई जीत रहे हैं अब तक अभी भी जीत रहे होंगे यासिर भाई हां मैं जीत गया 9407 और 9005 और दे पॉइंट्स लगेंगे बहुत पॉइंट्स लगेंगे दे अच्छा भाई अब कल के मैचेस हैं अमर आप जाते जाते क्योंकि लग रही हैं आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ओपनर लग रही हैं जाते जाते हारते भी जा रही है देख लीजिए आपके सवाल पर लग रही है ओके क्वेटा और मुल्तान का कल मैच है अमर आपसे पूछा जाए तो कौन जीतेगा मुझे लगता है मुल्तान जीतेगा वेरी नाइस यासिर भाई मुल्तान जीतेगा हाँ बेटा मुल्तान जीतेगा मुझे लगता है कोयटा जीतेगा खवातीनो हजरात अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे बात मेरे बीच में नहीं बोल कितनी बार मैंने इसको समझाया अपना ख्याल रखिएगा हारने वाले कल वापस आएगा गुड नाइट अल्लाह